जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब कल होगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सदारती इलेक्शन का जो मरहला है वो कल शुरू होगा और देखेंगे कि पाकिस्तान का 13वां सदर, 13वां चेहरा कौन सा होगा पाकिस्तान के लिए। राना अरशद साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो ऑनेस्टली आप इसका जवाब कैसे देंगे, इन तीनों सदारती उम्मीदवारों में से लीथल नाम कौन सा होगा पाकिस्तान के लिए? इन तीनों नाम को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा, ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब ही एलिजिबल हैं। लीथल, लीथल खतरनाक तरीन नाम कौन सा? मैंने जो हमारा कैंडिडेट है मैंने उसके रिमार्क देने हैं। बाकी क्योंकि पाकिस्तान की तारीख देखेंगे तो 1964 में मादर मिलत को 4000 बीडी मेंबरों के जरिए हरवा दिया गया था। बदकिस्मत वो दिन था और उसी की उसी को रिपीट किया। कल का दिन भी मैं समझता हूं कि ये एक बदनामा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि कल कम वोट डालेंगे। आज 2002 में ये कल जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं ये परवेज मुशर्रफ की 2002 की ही बी टीम थी और इसी में और आपके शायद 1985 में जियाउलक की बी टीम को धक्के देकर आप अपनी बात कर रहे हैं। आपके कियादत जो है परवेज मुशर्रफ से एनआरओ करने वाले आज आज हमें क्या सबक सिखाते हैं? इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी परवेज मुशर्रफ के साथ थे, आप पाकिस्तान की कांग्रेस में 2002 मेंबरों की तोहीन ना करें। आप अगर उस असेंबली में नहीं पहुंच सके तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप असेंबली में रशीद परवेज मुशर्रफ के साथ था। नहीं नहीं, ये यही जहाज का मालिक, बिल्कुल गलत बात। ये तरीन साहब, माशाल्लाह तरीन साहब, अच्छा जब आप वोट खरीदते छाका मंगा ले जाए लोगों को वो ठीक है, खरीदते थे आप उनको वापस बुलवा लिया। हार हार के राणा साहब इस तरह ना करें, हार के इस तरह करें। मैं समझता हूं हार इस तरह की बात, पूरी दुनिया देख रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है कि आप जमहूरियत आप बैड स्पोर्ट्समैन की तरह पहले रोना शुरू हो गए। मैच कल है, मैच कल है, आपने आज रोना शुरू कर दिया। आप इन बातों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। आज देखें, इल्जाम नहीं है, आप मुजरिम हो गई है, आपकी क़यादत मुजरिम हो गई है, अब इल्जाम नहीं है। तो पंजाब पाकिस्तान दे, हमारी बहादुर फौज दे और परवेज मुशर्रफ की आपको लग रही है शुक्र की लड़ाई जो खींच कर लाए थे। आज कलेशन पार्टनर कहा गया भाई, लाखों लाखों मैं समझता हूं कि डॉलर पाकिस्तान के जाया हुए और हमारी बहादुर फौज ने हिम्मत और जुर्द का मजारा किया। दहशतगर्दी को अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आपने डॉन लीग वाले अपने बयानिए से तो पीछे हट गए हैं, हमें शुक्र इस बात का। हम और मुल्क के अंदर बिजली लेके आए, आज तो ड्रामे हो रहे हैं। हाँ महमूद रशीद साहब, आप पूरे पंजाब के हर जिले में जाए, आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तख्तियां उखाड़ कर अपनी तख्तियां लगाए, मोस्ट वेलकम, लेकिन हकायक को मस्क ना करें। जो काम हमने किए हैं, हमने अवाम की खिदमत के लिए किए, आपने किए उन्हीं का तो बदला आप ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, आने वाले वक्तों में भी आपको वही मिलेगा। और हो, लेकिन अब ऐसे बात नहीं चलेगी मेरे भाई। अपना दिया जलाए, हमें हम मोस्ट वेलकम कहेंगे अगर आवाम के लिए आप कुछ करेंगे, लेकिन ये मुनासिब नहीं। मैं लाहौर न्यूज को ये ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह फजलुर रहमान इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगा। फजलुर रहमान साहब 120 से ऊपर पीटीआई के एमएनए, वो आमर लियाकत साहब और वो लोग जिनको इमरान खान साहब ने आज तक टाइम नहीं दिया, वो लोग इमरान खान अवामी लीडर है, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरह नहीं है, इमरान खान को उसकी फजल रहमान पार्टी को जाना मिलना चाहते हैं। और इंशाल्लाह कल हम अपसेट नहीं होने देंगे, फजल रहमान जीतेगा और ये 30वें नंबर पे है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये 25 जुलाई को जैसे आरटीएस सिस्टम बंद हुआ, कोई बात नहीं, कल का ये सिस्टम बंद नहीं होने देंगे, कि आप ये सिस्टम बंद नहीं होगा, हम बंद नहीं होने देंगे। हमें एहसास है आपके दुख का, बड़ा कारी जर्ब लगी आपको। अच्छा इजाजत से जाने से पहले, इन तीनों नामों में से लीथल नाम जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो सकता, नहीं साबित हो सकता, आपको इन तीनों नामों में से कौन सा? फजलुर रहमान साहब, बड़ा सिंपल सी बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब